मैं उस परम पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हूं। सच्ची नमस्कार उही प्रवान होंदी है जब असी नौ द्वारे खाली करके सूर्य चंद्रमा सितारे नंग के गुरु स्वरूप में प्रगट कर लेने हैं। सच्चे शिष्य उस वक्त बनते हैं और सच्ची नम्रता भी उस वक्त ही साढ़े अंदर आती है। असली नमस्कार वही प्रवान है। वैसे जो कुछ भी असी बाहर मुखी अगर धन्यवाद कहने हैं उसनों भी वह सुनता है, क्योंकि राम च रोखे बैठ के सबका चारा ले जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वो अंदर बैठा है, वो बड़ी अपुल ताकत है। जो कुछ असी मिंट सकेंट उसकी याद विच बैठते हैं वो सब लेखा जोखा उसके हाथ विच है। गुरमेल ने शब्द बोलिया सी कि खैर नाम दी पाओ कृपाल जी। स्वामी जी महाराज ने भिखारी की मिसाल दिती है कि भिखारी किन्ने अनुशासन दे विच हुंदा है, किन्ने विश्वास विच हुंदा है, किन्ना उहदा दिल जिहड़ा हुंदा है वह मजबूत हुंदा है। जब वह किसी के घर मंगन वास्ते जाता है वो इस तरह नहीं जाता कि पता नहीं खैर पाएगा या नहीं पाएगा। उस बड़ा विश्वास हुंदा है, बड़े अनुशासन दे विच हुंदा है, वो जाके खैर जगाउंदा है, अपनी अलख जगाउंदा है। हुण खैर पाउण वाले दी मौज है कि उहनूं कद खैर पाउंदा है। जनानियां कई दफा बड़े ताने मिणे दिंदियां हन कि हट्टा कट्टा फिरदा है ते इत्थों कमा के नहीं खाईदा। फिर भी वह भिखारी जिहड़ा है वह दर तो दूर नहीं जाता गा। उस दर ते खड़ा रहिंदा है। यह मिसाल सब संतां ने दिती है भिखारी दी, जो स्वामी जी ने दिती है। जब घर वाले उसका विश्वास देखते हैं, सब कुछ उसनूं कह लेंदे है, फिर वो कहते अच्छा भाई इनू पाओ कुछ। वो मालक दे नाल झगड़दा नहीं कि तू क्यों खैर नहीं पाउंदा या जल्दी पा मैं छेती जाना है। किस तरह विश्वास नाल सुबूए ते खड़ा रहिंदा है। शुरू शुरू दे विच जद पछम दे प्रेमी मेरे पास आए मैं सब तो जबरदस्त यही उन्हां कोले मिसाल पेश कीती कि मैं अपने गुरु दे पास सदा भिखारी बन के रहा कि खैर वो पाए। बड़े विश्वास नाल श्रद्धा नाल लेकिन उसने खैर पाई। तो एक प्रेमी ने जो मेरी बात सुन रहा सीगा उन्हें आपके अंदर ही वो चित्रकारी कर ली। अनेक ही पिक्चर उसियां बना दित्तियां कि किस तरह परमात्मा कृपाल सचखंड दे विच्चों कोई वस्तु लियाया है वो आपके भिखारी नूं आपके शिष्य नूं दे रहा है। सो इस वास्ते संतां दे जो भजन हुंदे है चाहे किसी भी महात्मा ने आके लिखे है मैं दसदा हुंदा कि पवित्र हिरदयां दे विच्चों आए हुंदे है। जिथे कि शब्द की तार चालू हुंदी है एक खुशक हिरदयां दे विच्चों लफ्ज नहीं आउंदे गे या जिथे कि काम क्रोध दीआं लहरां उठदीआं उन्हां विच्चों नहीं आउंदे गे। इसे वास्ते साढ़े हिरदयां दे उत्ते जिहड़े पूरे महात्मा दे भजन है वह मार कर जाते हैं।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਿਆ ਸੀਸ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਵੀ ਵਾਰਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਨ ਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਕਾਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਵੇੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਮ ਆਈ 77 ਆਰਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਖੈਰ ਉਹ ਆਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ
ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਔਰ ਟੋਕਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ, ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੈਂਸਦਾਨ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਰਦ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਪੋਥੀ, ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰ ਪੁਰਾਣ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡੋਰੀ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ,
वो बुरे तो बुरे आदमी अंदर भी है, वो साधु संता महात्मा अंदर भी है। फर्क इतना ही है कि उन्होंने उस नाम की खबर नहीं, साधु संता महात्मा के अंदर वो प्रगट है, वो उसको पाके शांत शांत होए बैठे है, तृप्त होए बैठे है। इस तरह जिवें किसी के घर के अंदर करोड़ रुपया दबिया होवे, वो बाहर बेचारा कौड़ी कौड़ी मंगदा फिरे, उन्हें उसके धन का की फायदा हो सकता है। हालांकि रह उस घर च ही रहा है, अगर उसके घर का कोई भेदी मिल जाता है वो उसनों धन दसदा है कि भाई तेरे घरे इतना धन पिया है, तू फलानी जगह च इतना टोआ इतना खड्डा खोद तेनू धन मिल जाएगा। जब वो जाके खोदता है धन नू कढ के, वो आराम की जिंदगी बतीत करता है। हुण वो किहदा शुकराना करे, भी धन का करे या धन नू लभाउण वाले का? धन तो वो घरे पहले ही सीगा, तो असीं खुद ही कहांगे कि भाई लभाउण वाले का। इस तरह वो नाम तो साढ़े सब के अंदर है, क्योंकि नाम तो बगैर साडा शरीर ही कायम नहीं रह सकता, उहदे आसरे ही असी संसार विच दौड़े फिरते हैं। लेकिन उस नाम ते हुंदिया होया असी अनेकां वारी गधे बने, अनेकां वारी घोड़े बने, अनेकां वारी असी पहाड़ां दीआं जूनां पाईआं, अनेकां कीड़ियां दीआं जूनां पाईआं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे, कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म है बिर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल दे सजरिया। ये मनुख का जामा, इंसान का जामा बड़े चिर पिछों मिलिया है, यही तेरी वारी है। अबर काज तेरे किते ना काम, आप कहते ना जप ना तप ना पूजा ना पाठ तेरे किसे काम नहींगा। मिल साध संगत भज केवल नाम, की कर किसे कमाई वाले महात्मा को ले जा, वो तेरा बाहरों ख्याल में हटा के वो दसेगा कि किस तरह अनमोल हीरा तेरे शरीर के अंदर है। क्योंकि ना सानू ये पता है कि असी नक के रस्ते अंदर जाना है, या कन्ना के रस्ते अंदर जाना है, या अखा के रस्ते अंदर जाना है, या कोई होर सराख है जिदे भी असी अंदर जाना है। तो महाराज कृपाल कहते होंगे थे, पढ़िया पढ़ा सकता है, जुड़िया ही जोड़ सकता है। जिदा आ फिरदा काम क्रोध लोह मोह अहंकार दे नाल सड़ रहा है प्यारियो, वो किसी नूं शांति की? हाँ, अज दे युग दे अंदर ये बड़ा देखण नूं आउंदा है, खुद शांत नहीं, ये शांत है, लोगों नूं शांति का उपदेश जरूर दे रहे हैं। कबीर साहब कहिंदे, अवरा को उपदेश ते मुख में पड़ है रेत, रास बरानी ग्राख ते खाया घर का खेत। वो इस तरह है जिवें असीं किसी के खिलवाड़ की तैराकी करते हैं, आपका खिलवाड़ जिहड़ा है उजड़ रहा है। अपने घर इन्हां पंजां डाकुआं की अग लगी हुई है, बेचैन है, ना रात में चैन है ना दिन में चैन है, सुत्यां नूं भी उठा लैंदा है। और दूसरों के उत्ते परोपकार सोचते हैं, चाहिदा कि पहले मन प्रबोधे अपना पीछे रिझावा है, पहले आप नूं शांति प्राप्त करो। तो शांति कह चा भाई नाम विच है। सो आप प्यार ना कहंदे है, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे तिरगे जी वास। नाम तो बगैर जिहड़ी जिंदगी साढ़े सांस गए वह किसे लेखे विच भी नहीं। हाँ भाई, श्री राग महला चौथा, संतों की बाणी, पन्ना 198। नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। नाम मिले मन
त्रिपतिया बिन ना मैं त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुण तास। हुण गुरु रामदास जी महाराज बड़े प्यार ना कहिंदे है कि अगर कोई गुरमुख सज्जन जिसने जिंदगी दे विच मसला हल किया है वो मिल जावे, वो मैनू नाम दे फायदे दसेगा, नाम जपन का साधन और तरीका दसेगा, कि उस नाम नू जेड़ा गुप्त है उन्हूं किवें प्रगट करना है, किवें उसका प्रकाश करना अंदर। ऐसा महात्मा जेड़ा है कोई मिल जावे वो ये नहीं कहिंदा कि मैनू तुसी गुरु कहो। किसी भी संत ने कदे भी नहीं आपके सेवकों को इतनी इजाजत दी कि मैनू गुरु जी कहो। वो कहते हैं बेशक सानू तुसी बाबा कह लो, जो माता पिता ने नाम रखे है वो उचार लो, बुजुर्ग कह लो, किसे नाम ना पकार लो, उसे ते वो खुश है, नाम ना कोई फर्क नहीं पैंदा गा। मैं अपनी जिंदगी का वाकया दसदा ना महाराज कृपाल बारे। मैं एक बारी उन्होंने सच्चे पातशाह कहा सीगा, मैं उन्होंने पास ही कुर्सी पर बैठा सीगा, वो अपने बैड पर बैठे सीगे, तो उन्होंने गाह होके मेरे कान नू वटा दिता। बोले तो कुछ नहीं पर समझा दिता वटा दे के। वो कहिंदे अंदर जाओ फिर देखो, फिर जो मर्जी रब कह लो रहीम कह लो अंदर शक नहीं रहिंदा गा। हाँ भाई, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुण तास, हों तिस विटों चौखनिए मैं नाम करे परगास। हुण कौन कुर्बान जांदा है भाई जिसने नौ द्वारे खाली करके अंदर सतगुरु नू प्रगट कर लिया, क्योंकि स्थूल शरीर च असीं बैठे हैं, सतगुरु भी बरूपियां दी तरह अस्थूल जामा धारण करके आया है। जब असी सिमरन दे जरिए अखां पिछे जाने हैं, तुरिया पद विच जाने हैं, सूक्ष्म देश दे विच जाने हैं, वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लैंदा है, ब्रह्म दे विच जाने हैं तो ब्रह्म है, बार ब्रह्म दे विच जाने हैं तो सार शब्द है। जिवें जिवें सेवक अंदर तरक्की करता जाता है उवें उवें वो गुरु के स्वरूप नू ज्यादे नेड़े होके देखता जाता है। जब सचखंड पहुँचता है फिर वो मालक दे विच और गुरु दे विच पिन भेद नहीं समझदा गा, ना कोई हुंदा ही है। जदों इंद्रमती राणी जो कबीर साहब की सेवका सी भजन करके अंदर सचखंड पहुंची, तुसी अनुराग सागर नू पढ़ के तसल्ली कर लो, अगे जब तखत दे उत्ते उसे कबीर साहब नू देखिया तो बाग बाग होके पैरां ते लिपट गई, कहण लगी तुसी मैनू जी उत्थे दस दे कि मैं ही सतपुरुष हैं, मैं खबरां तुहाडी की सेवा कर दी। वो कहण लगे कि बेटी तू हुण जो सेवा करनी कर लै, अगर मैं तेनू ये कहिंदा कि मैं सतपुरुष हैं तो तेनू यकीन ही नहीं आना सीगा। ये बड़ा गुप्त राज है, ये बड़ी समझण वाली गल है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है
ਹੁਣ ਤਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏਗਾ ਬਈ, ਕੌਣ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਖੰਨੀਏ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਹੋ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤਿਆਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਮਲੀਆਂ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜੀਏ ਅਮਲ ਖਾਏ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਜੀਵੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਮਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ ਫੜ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਰੁੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਧਰਮਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਬਰੇਤੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸ਼ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਧਰਮਚੰਦ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਖੇ ਜੋਗੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਤਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਆਮ ਤਾੜੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਤਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਠੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਲੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਕ ਸਨ ਮੱਛਰ ਔਰ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ
वो कहिंदा नहीं अगे तैनू होया जे अगे नहीं फिर अगे मक्की सुकू तो गुरु दे सुकू गए आपा पहला दर्शन कर लिए उन्होंने खूह नहीं जोड़िया क्योंकि कदे कदे प्रेमी सिखा दा गुरु भी ध्यान ले लेंदा है। वो घंटा अभ्यास से बैठे दर्शन हो तो फिर जाके उन्होंने खूह जोड़िया मक्की नूं पानी दिता। इस वास्ते आप कहने लगे ऐसे जिहड़े प्रेमी है वह साह नाल भी सिमरन करते हैं। जो दम गाफिल सो दम काफिर जी मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम त्याए बिन नावे जीवन ना थिए मेरे सत गुर नाम दरड़ाए। थोड़ा प्यार ना कहंदे है वो नाम जेड़ा है उदी जूती किवें जपना है किवें उहदे नाल जुड़ना है यह सारी सतगुरु की महिमा है। उन्होंने यह सानूं मौका दिता समझाया है जी बिन नावे जीवन ना थिए मेरे सतगुर नाम दड़ाए ना प्यार ना कहते हैं कि नाम अमोलक रतन है ये मुल नू नहीं मिलता गा अगर मुल नू मिलता तो प्यारे शाहूकार इस नू खरीद लेंगे राजे महाराजे खरीद लेंगे कोई ना कोई धन की कमी नहीं। अगर जोर नाल खोया जाता होंदा तो जेड़े बहादुर आदमी है योधे है वो खो लेंदे कहन लगे नहीं ये बड़ा अमोलक है ये बड़ा अमोलक हीरा है हीरे तो फिर भी मिठी मिट्टी है लेकिन ये अमोलक है जिदा कोई मुल नहीं किदे कोले आ पूरे सतगुरु दे पास उसनू भंडारी बना के भेजा है। सतगुरु सेवा लग्या कड़ रतन देवे प्रकाश वो सतगुरु 25 साल महाराज कृपाल ने कहा भी देने वाले का की कसूर है मसला तो लैन वाले का है। 45 साल महाराज सावन सिंह ने कहा भाई लैन वाला चाहिदा है वस्तु सांभण वाला वस्तु चाहिदा है मैं सारे संसार के अंदर अपने गुरु की दया का होका दिता कि जैसा जैसा भाई किसी का बर्तन सी जैसा जैसा किसी ने भांडा बनाया वैसी वैसी वो वस्तु पा गया है। जिन सतगुर सो चित लाया सो खाली कोई ना है जेड़ा वो जिन्ना कि चित लाउंदा है जिन्ना को दिल का राह बनाउंदा है उन्ना को जरूर दिता उन्हें हुण भी दे रहा है। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास सतगुर सेवे लगया कड रतन देवे हुण इत्थे आके गुरु साहिब प्यार ना कहिंदे आ इत्थे कोई फैमिली का सवाल नहीं कोई रिश्तेदार का सवाल नहीं। गुरु नानक कहिंदे आ पुत भाई भतीजा सेवक कोई भी सतगुरु की आग्या का पालन करे उहदे कहे मुताबक अपने जीवन नूं ढाले उही ये रतन नूं प्राप्त कर सकता है। सानू पता ही है
गुरु नानक का इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने ये रतन बच्चों के नहीं रखिया, सेवक नूं दिता। क्यों भाई? बच्चे उन्होंने दोस्त सन। जिहड़ा उन्हों का बच्चा सी श्री चंद, जिस तो उदासी मत चली है, क्योंकि मैनू पहला दो शब्द का भेद उस मत चो मिलिया सी। तो बाबा अमोलकदास जिहड़ा सीगा वो श्री चंद का ही चेला सीगा, बड़ी लंबी उम्र उन्होंने भोगी सीगी। तो बाबा अमोलकदास नूं मैं खुद देखिया है, तो बाबा बिशन दास अमोलकदास का ही चेला सीगा। तो उन्होंने गुरु नानक तो नाम नहीं लिया सीगा, उन्होंने अविनाशी मुनि नूं जाके गुरु धारण किया सीगा। तो उदासी लोग उन्होंने शंकर का अवतार मनते हैं। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि उन्होंने भाई लहणे नूं सेवादार नूं दिता। इस तरह गुरु अंगद ने बुढ़े बारे 12 साल, 72 साल की आयु तो 84 साल तक बड़ी कठिन घालना गुरु अमरदेव ने घाली, तो सेवक नूं पदार्थ मिलिया। महाराज सावन सिंह तो इत्थों तक कहिंदे हुंदे सी, वैद वकील संत सरदारे, पिंड विच मान ना पाउंदे चारे, नानक दादक ते घरवाली, ए वी रहण सा तो खाली। कोई भी सेवा करे, बच्चा करे, बुढ़ा करे, औरत करे, मर्द करे, इत्थे किसे जाति का सवाल नहीं पै रहे। सतगुरु सेवा लग्या कढ रतन देवे प्रकाश। हाँ भाई, सत गुर सेवे लग्या कढ रतन देवे प्रकाश, तन वड पागी वड पागिया, जो आए मिले गुर पास। कौन वड्डे भागा वाले हैं भाई? जेडे इंसान का जामा पा के पूरे महात्मा के चरणों के विच बैठ जाते आके, उन्होंने उच्चे भाग है जी। तन वड पागी वड पागिया, जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सत गुरु पुरख ना पेटियो, से पागहीन वस काल। उस परमात्मा का भी विधान बनाया है कि अगर इंसान का जिहड़ा जामा है, ये परमात्मा ने एक तोहफा बख्शिया है हर एक नूं मुफ्त दे अंदर ही, एक मौका दिता है 84 लाख जिया जीवन भुगतन तो बाद। और अगर इस दे विच कोई पूरा गुरु मिल जाता है तो बेड़ा पार हो जाता है। अगर असीं इहदे विच लापरवाही करते हैं तो असीं फिर 84 दे विच चले जाने हैं। इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी स्टेप है। अगर कोशिश करते हैं कोठे की छत ते कि सचखंड जिथों आत्मा आई है पहुँच जाते हैं, पैर फिसल जाता है तो नीचे 84 जा वड़ते हैं। तो भागहीन वस काल, वो बेचारे किदे भाग लिया। गुरु नानक कहते सतगुरु नु सब को लोचदे, वो सारे ही लोचदे होंगे है, लेकिन बिन भागा दर्शन ना होए, भाग तो बगैर जीव किदे भाग लिया। हाँ भाई, जिन सतगुरु पुरख ना पेटियो, से पागहीन वस काल, ओए फिर जोन पवाईए, विच विष्टा कर विकराल। की सजा भोगदे है, एक मौत तो छुटकारा नहीं होया हुंदा,
दूसरी फेर अखा अगे खड़ी हुंदी है, उस तो अजे छुट्टे नहीं हुंदे, कलबूत जाण तो पहला ही कड़िया पिया हुंदा है, उहदे च वड़े नहीं हुंदे, फिर अगे मौत अखा अगे आ जांदी है। असीं देखदे हैं कि किस तरह कोई छोटी उम्र दे विच पैदा हुंदा ही संसार नूं छड जांदा है, नरक चो आया नरक जी चलिया गया। बच्चा पैदा हुंदा है, सब नूं पता है बेचारे की की हालत हुंदी है भाई, किन्नी तंग जगह दे विच असीं किड्डे किड्डे महल बनाउने हैं, वह भी भीड़े लगते हैं, तो माँ के पेट विच किन्नी क जगह है। मैं अपनी जिंदगी का वाकया दसदा हुंदा है कि मैं लाहौर छोटी उम्र दे विच ही अजायब घर देखण वास्ते चलिया गया। उहदे अंदर बहुत सारिया पुरातन वस्तां होर तां जो देखियां सो देखियां, तो जब किसी बुत घाड़े ने इस किस्म की जगह दिखाई कि बच्चा माँ के पेट विच दिखाया, कि किन्नी तंग जगह, किस तरह बच्चा पुठा सिर थले नू है, लत्तां उपर नू है। तो संत उस वक्त नू याद कराउंदे है कि कहिंदे गुरु नानक, मुख तलै पैर उपरै वसंदड़ा कहतड़े थाए, नानक धनी स्यों को वसारिया उधरै जिसदा नाए। उस नू किवें भुल गया? तो गुरु साहिब कहिंदे फिर जोन पवाई है विच विष्टा कर बकराल, वह फिर जूनिया जाता है, इतों तक विष्टां दे कीड़ियां तक उत्थे जाके गंदे थां जन्म लेना पैंदा है जी। ओए फिर जोन पवाइए विच विष्टा कर विकराल, उन पास दुवास ना पीटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल। हुण आप प्यार दे नाल कहंदे है जिन्हां दे अंदर पक्षपात है, जो निंदक हन, जो गुरु दी वडियाई देख नहीं सकदे, गे कहण लगे कि उहनां दे पास जाणा चाहीदा है, कहंदे नहीं। गुरु नानक कहंदे है कि जो ऐसे कोड़ियां दे अंदर जिहड़े परमात्मा दा नाम दा जिन्हां नूं कोड़ लग्या है उहनां पास जाओगे तो थानू भी उह कोड़ होण दा डर है। गुरु नानक कहंदे जे कोई उहदा संगी होवे ते नाले लवै सजावा, उहदी संगत करन वाले नूं भी उही फल मिल जांदा है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है ऐसे लोकां तों जो प्रभ कीए भगत ते वाहज, कबीर साहब कहते तिन ते सदा डराने रहीए, जिहड़े प्रभु की भगती नहीं करते, एवें कदे किसे दी निंदिया कीती, कदे किसे दी निंदिया कीती, सारा जीवन जिहड़ा सीगा वह गंदा कर लिया। क्योंकि सानू पता है, साडे सतगुरु महाराज कहिंदे हुंदे सीगे कि हर व्यक्ति खुद वह जिम्मेवार है जिहड़ा वह कर्म करता है, चंगा करता तां भी उहदा फल उहने भोगणा, माड़ा करता तां भी उहने भोगणा है, सानू उहदा की फिक्र है भाई। अगर वह चंगा करता तां भी फल उहनू उसदा मिलना है, अगर माड़ा करता तो उसे नू मिलेगा। लेकिन असीं की करते हैं, उहदे माड़े कर्म दे विचों हिस्सा बनाउने हैं। महाराज कृपाल कहिंदे सी अगर जे तुसीं कंकर जिहड़ा है वो कीचड़ दे अंदर फेंकोगे तो छिट्टे भाई तुहाडे ते भी पैणगे। महाराज सावन सिंह ने बड़े प्यार नाल कहा कि भाई जिस दी तुसी निंदा करोगे उहदे जिन्ने भी शुभ गुण, जिन्ने भी उहदे पाप तुहाडे खाते विच जमा हो जाणगे, तुहाडे जिन्ने शुभ गुण है वो उहदे खाते विच जाणगे। यही गुरु साहिब बड़े प्यार नाल हदायत करते हैं, तिस पास दुआस ना पिटिए, ना भाई उन्हां तो दूर रहो जी। उन्हां पास दुआस ना पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल, सा
सत गुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। सतगुरु जड़ा है वो अमृत का सरोवर है, वो वड्डे भागां वाले ही चुंदे है जिस जेडे उस अमृत के सरोवर दे विच आके इशनान करते हैं। गुरु की करता है उन्होंने पार ब्रह्म दे विच लै जांदा है, जिहड़ा पापां दी मैल नूं दूर करता है वह अमृतसर साडी कायां दे अंदर है। ये बाहरले अमृतसर का तो नामो निशान नहीं सीगा, जद दी बाणी गुरु अमरदेव ने लिखी हुई है उहदे शब्द विच आउंदा सच्चा अमृतसर काया माहे मन पीवा पाए सो पाए हे। इस दी न्यू जिहड़ा बाहर अमृतसर है इस दी नींव गुरु रामदास ने रखी और मुकम्मल इस नूं गुरु अर्जन देव ने किया। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि गुरु कित्थे लै जाएगा भाई, वो पारब्रह्म दे विच जिहड़े जन्मां जन्मां दे मैल है वो उतर जांदी है। बड़े भागी नावे आए, वो बड़े बड़े भागां वाले है उसे दे विच ही तकीद कीती है गुर सतगुर का जो सिख उखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवै उद्दम करे भलके प्रपाती इशनान करे अमृतसर नावै। कौन सिख है भाई, की सिख नूं हदायत है गुरु दी? वो कहिंदा भी हर एक उद्दम करे सुबह 3 बजे उठे अपनी आत्मा तो सारे पढ़ते ला के उस अमृतसर दे विच पहुंचे। हुण जे बाहरले अमृतसर तो जे उन्हां दी मुराद हुंदी ते जेड़े सिख वो शहर तो दूर है, कोई बॉम्बे रहिंदा है, कोई कलकत्ते रहिंदा, कोई दिल्ली रहिंदा है, कोई अमरीका च रहिंदा है, कोई कनेडा च रहिंदा है, किसी होर मुल्क दे विच रहिंदे है, वो तो बेचारे अमृतसर च ना ही नौंदे। नहीं, गुरु साहिब दी बाणी जिहड़ी है तुक तुक अंदर जाण वास्ते सानू इशारा करदी है। वो बड़े बड़े भागां वाले सिख है, उन्हां सिखां दा आपसरियों बड़ा प्यार हुंदा है जी। उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सत गुर की ऐसे शिष्यां नूं उत्तम थां सचखंड पहुंच जांदे है कीदी कृपा ना कीदी दया ना सतगुरु दी दया ना। उन्हां दा सतगुरु ने नाम दिता, सतगुरु नाल लिव लग गई, सतगुरु नाल प्यार लग गया। क्योंकि मैं दसदा ना कि सतगुरु संत सतगुरु साडे प्यार दे भुखे नहीं हुंदे गे, वो तां खुद अपने गुरु दे प्यार विच मस्त हुंदे है। उन्हां कोल कित्थे फुरसत है बई कि साडे नाल वो प्यार कर, नहीं वो तो आप आपदे गुरु दे प्यार विच इस तरह मिक्स हो जाते हैं जिमें खंड पतासे दी है, पतासा खंडदा है पानी विच मिल जाता है, पतासे का रंग नहीं वो रह जाता गा। दुध दे विच मिश्री है, मिश्री का जायका रंग नहीं बदलता गा, दुध का जायका दुध का बदल जाता है। इस तरह गुरु शिष्य का मिलाप है, वो शिष्य का जिहड़ा जायका है मूँह का हिरदे का दिल का इंद्रिया का सारा ही उहदा डायरेक्शन ही बदल जाता है। उत्थे गुरु गुरु पुकार दियां हन आनंद पिया मेरी माए, असी रोज शब्द पढ़ते हैं सतगुरु मैं पाया, कद खुशी हुई जब गुरु नूं पा लिया। सतगुरु पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां, जद असी रजोगुण तमोगुण तो उपर चले गए सहज अवस्था प्राप्त कर ली तो मन के अंदर वधाई कदों वजे भाई जदे त्रिकुटी विच रह गया, आत्मा आजाद होकर उपर चली जाती है। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਉਦੋਂ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਵਲਾਏ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਿਵਲਾ